प्रशांत ईटीवी नेटवर्क से। पिछले दिनों आपका एक ट्वीट जिसमें आपने अपने किरदारों के बारे में थोड़ी दिलचस्पी लोगों में जगाई थी, और पिछली बार जब आपसे हम मुखातिब हुए थे तब आपने कहा था जुलाई से पहले आप कोई फिल्म साइन नहीं करने वाले या उसके बारे में बात नहीं कर, तो उस लिहाज से जानना चाहेंगे क्या कुछ होने वाला है आपके आपसे। मैं दो फिल्में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा मेरे पैर में तकलीफ है और आज ये बारिश में से डर भी हो रहा था। I'm starting Imtiaz Ali's film with Anushka at the end of August. क्योंकि आई थिंक अनुष्का वजीरी सुल्तान ने और एल दिल है मुश्किल, सो विल स्टार्ट दैट। पोस्ट दैट समटाइम इन नवंबर आनंद राय की फिल्म, जो भी कास्ट नहीं हुई, और जो बाकी फिल्में हैं आई एम इन डिस्कशन विद लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर दोस्त भी हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, सो वो अभी कन्फर्म नहीं हुई। तो मैंने वो ट्वीट एक्चुअली किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट पढ़ के ही लिखा था कि यार ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मुझे इनमें से सिर्फ दो ही शायद कर रहा हूँ, एंड कहीं लिखा था वो फिल्म जो है गाइड पर निर्धारित है, आधारित है इम्तियाज की, तो नहीं है। एंड द अदर वन ऑल्सो यस आई एम प्लेइंग अ ड्वार्फ, लेकिन वो फुली कास्ट नहीं है फिल्म, उसमें सिर्फ अभी मैं ही कास्ट हूँ, बाकी कास्ट हुई नहीं है, तो अभी थोड़े दिन में हो जाएगी बनाई के लिए। आदित्य चोपड़ा की कोई गौरी शिंदे की फिल्म है, वो खत्म हो गई है। आदित्य चोपड़ा की किसी फिल्म का जिक्र था? हाँ, लेकिन वो मैंने ही पढ़ा था, मगर आदि के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं फिल्म पिछले एक साल से, बट वो ऐसी नहीं है जो मैंने पढ़ा था, वो अलग है, अनलेस आदि ने किसी को बता दिया और मुझे नहीं बताया। यार इम्तियाज में बहुत सालों से जानता हूँ, जब उन्होंने वो पहली फिल्म बनाई थी और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और शायद सोचा ना था, और जब जब भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं स्ट्रेंजली वो मेरे घर आके मुझे अपनी वो फिल्म की कहानी बताते हैं जिसमें मैं नहीं हूँ, ऑलवेज ही टेल्स मी दैट आई विल थैंक यू, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं वो, इवन लव आजकल इट वॉज कॉल्ड समथिंग ब्रिजेस, देन व्हेन ही मेड रॉकस्टार, देन तमाशा की मुझे नहीं मालूम थी, ही इज ऑलवेज डिस्कस्ड दिस फिल्म विद मी जस्ट एज अ फ्रेंड एज अ क्रिएटिव पर्सन, सो देयर इज सडनली वन डे ही सेड सर मेरे पास आपके लिए भी है, बट आई वांटेड टू डू अ हैप्पी फिल्म बिकॉज आई एम इन दैट जोन राइट नाउ, तो थोड़ी खुशगवार फिल्म है। हाँ, जब कौन सी भी करीना और शाहिद की जब भी मैं, सो आई रियली लाइक दैट फिल्म, सो आई इवन हाइवे, so he had a film for me and I think he's got a nice, like you said, different language of love, so it's a love story but keeping my age in mind now, it's not like a young upbeat love story like that, but he has a very nice take on it, so hopefully we make it nice. No, in fact I was 26 years, it depends on the role I get, so of course I can't play it, I should be playing an age now as a character. If I'm playing 26 or 27, I should think of as a character, not believe I'm 26. I look 26, I feel 26, and I'm sexy as 26. But I should not think I'm 26. I should play it as a character. एक्चुअली मैं उसको इस वक्त फिल्म में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म स्कूल में जा रहा है, सो मैं उसको बहुत, मैंने एक फोल्डर बनाया फिल्मों के नाम का, विच आई थिंक आर क्लासिक्स, जैसे अनटचेबल्स, गुडफेलर्स, देन आई हैव शोन हिम फॉलिंग डाउन, माइकल डगलस, तो इस वक्त मैं उसको ऐसा एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि अभी उसको अंग्रेजी फिल्मों का ही दे रहा हूँ, एंड आई एम श्योर हिंदी की जो फिल्म है वो भी मैंने क्लासिक एक लिस्ट बनाई है, जाने भी दो यारों, शोले देख चुके हैं वो, एंड दो आंखें बारह हाथ, देवदास, चाहे वो मेरी वाली हो या दिलीप सर वाली हो, बट आई वॉन्ट देम टू सी फिल्म्स, बाकी उनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मुझको नहीं मालूम यार, मैं इतना डिस्कस नहीं किया है, बट वो सारी फिल्में देखते हैं जब हिंदी की फिल्में आते हैं देखते हैं, एंड लाइक एवरी वन। साइकिल पर हाँ, क्योंकि मैंने डिग्री नहीं प्राप्त की थी लेकिन मैं मास्टर्स तक पढ़ाई की थी, तो अभी मेरे दोनों बच्चे मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब आप ये पूछ रहे हैं कि वो एक्टर बनेंगे या नहीं, तो वो उनका डिसीजन होगा,
और अभी हमने उनको उस वाले पदचिन्ह पे नहीं डाला, अभी उस पदचिन्ह पे डाला है जहाँ पे वो पढ़ाई करें, लिखाई करें। और ये मैं 1.5 करोड़ बार बोल चुका हूँ, तो वो अभी कॉलेज खत्म करेंगे, उसके बाद मैं सब बार यही बोलता हूँ कि एक्टर बनना इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि तुम्हारा बाप एक्टर है, एक्टर बनना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपको कुछ और नहीं करना, एक्टिंग करनी है। सो अगर उनके दिल में वो बात आएगी, मेरे बेटे या बेटी के और तीसरे बेटे के, तो वो बने एक्टर। अगर वो कुछ और बनना चाहेंगे तो जितना खुश मैं उनसे इतना होगा कि वो एक्टर बने, उतना ही खुश उसमें होगा कि वो इंजीनियर बने। A lot of it is shot outside India, some days in India. See, obviously, मतलब ये तकलीफ रहती है सबको यार, मैं भी सोच रहा, परसों ही सोच रहा था ये, और बट इस बार फिर भी बेहतर है कम्पेयर टू द ईयर्स बिफोर, थोड़ा बेहतर है सड़कें, लेकिन हाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ काम जो है ट्रैफिक में करने की सोच लो। मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, तो मैं अभी परसों आ रहा था कहीं से, मैं बोला मैं 45 में पहुँचूंगा, मीटिंग थी मेरी स्टार के टीवी वालों के साथ, मैंने कहा मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मैं 9 बजे निकला, मैं 11:30 पहुँचाया उनसे भी से। सो यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, बट इंटरनेट है, ट्राई टू फाइंड सम वर्क टू डू, थिंक पॉजिटिव, बट आई थिंक इट्स मच बेटर देन इट वाज अ फ्यू इयर्स अगो, सो इट्स इंप्रूविंग अ लॉट। सॉरी मैं सॉल्यूशन दूं, मैं इतना डीपली नहीं सोचा, मैं भी आम आदमी की तरह बस परेशान हूँ उससे, तो मैंने इतना सोचा नहीं है उसके बारे में। सॉरी मैं कोई ऐसी सलाह दूंगा कोई बुरा मन जाए उसको। व्हाट इज माय फिटनेस मंत्र? मैं कम खाता हूँ, मैं खाने के बीच में खाना नहीं खाता हूँ, मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अच्छी थॉट्स सोचता हूँ, मैं और क्या, दिन में 3 या 4 बार नहाता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है, शूटिंग पे कभी कभी इतना नहीं मिलता, और कोशिश करता हूँ कि 5-6 घंटे सो जाऊँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोचता भी फिट हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा भी अनफिट हो गया, और इसलिए नहीं फिल्म के लिए क्या, और मेरे 3 जवान बच्चे हैं तो वो बहुत फिट रहते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह रहूँ, क्योंकि जो छोटा वाला है उसके साथ ही मुझे फुटबॉल खेलनी है, सो आई ट्राई टू रिमेन फिट। एंड ये जेन्युइनली मंत्र है मेरा, मैं कम खाता हूँ और खाने के बीच में नहीं खाता, जैसे अभी मैंने लंच नहीं किया, मैं लंच करूँगा और लंच और डिनर के बीच में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, एंड हेल्दी खाना खाता हूँ। ओके लास्ट थ्री हाँ मुझे भी जाना है यार, ईद मुबारक मुझे। आई थिंक बिटवीन माई सेल्फ आमिर एंड सलमान, आई थिंक वी हैव अ ह्यूज लाइकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड वी ऑल फील द सेम अबाउट द अदर टू, आई ऑल्सो फील देयर बिगेस्ट स्टार्स देम, इफ यू आस्क सलमान ही ऑल्सो से द सेम थिंग, आई थिंक इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट and knowing each other for so many years now, you know, we've known each other for 25 years from the day we have stepped into Mumbai. I mean, they were here 2 years ago earlier, but the day I stepped into their houses and their lives, they've been very kind. So I think a lot of things that we say about each other should not be taken as that Amir is saying the truth in that way, but he's showing respect and regard and he's being dignified, and we show that to each other. And having said that, I'm sorry I haven't said it. मैं कल नितेश के साथ शूट कर रहा था जो डायरेक्टर हैं दंगल के, मुझे फोन लगा नहीं आमिर का, सो होपफुली दिस विल गो थ्रू। उसका जो नया पोस्टर है बहुत खूबसूरत है, वो जो लड़कियों के साथ आई थिंक ही लॉन्च्ड अ फ्यू डेज अगो, बहुत ही अच्छा है, सो आई रियली लाइक इट, आई ट्राई कॉलिंग हिम, आई कुडंट गेट थ्रू, बट आई टोल्ड नितेश अबाउट, सो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, और हम तीनों इस मुकाम पर हैं कि हम तीनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के अलावा कुछ और करना आता ही नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर व्हाट वी हैव डन।